बड़ी खबर सामने आ रही है सीएम केजरीवाल से जुड़ी बड़ी जानकारी। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे मुख्यमंत्री और सीएम ने ईडी को जवाब दिया है। ईडी के प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार है मुख्यमंत्री, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि समन गैरकानूनी एक बार फिर से उन्होंने करार दिया है, लेकिन ये कहा है कि जो भी सवाल है उसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री तैयार है। 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगे, वीसी के जरिए जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री तैयार है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल पर वो उनके सामने पूछताछ में या सवाल जवाब में पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही 12 मार्च के बाद। हालांकि देखिए, कोर्ट की तरफ से भी जो राहत दी गई थी उसमें यही हवाला दिया गया था कि बजट सत्र चल रहा है, व्यस्तता है, इस वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। 8 समन भेजे जा चुके हैं, आज भी सस्पेंस था कि पेश होंगे नहीं होंगे या फिर किस तरह से जवाब देंगे। और बड़ी अपडेट देखिए ये सामने आ रही है कि ये कह दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, ये जवाब दे दिया गया है कि ईडी के सामने आज तो वो पेश नहीं होंगे, लेकिन ईडी के सामने पेश होने के लिए वो वैसे तैयार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी सवाल जवाब ईडी उनसे करना चाहती है, अपनी जाँच को आगे बढ़ाना चाहती है, वो उस पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार है। 12 मार्च के बाद की कोई भी तारीख, 12 मार्च के बाद वो पूछताछ में शामिल होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब में हिस्सा लेंगे और हर सवाल का जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। हालांकि देखिए, ईडी की तरफ से 8 समन दिए जा चुके हैं, जब तक 6 समन दिए गए थे तभी कोर्ट की तरफ से, जब ईडी ने कोर्ट का रुख किया था तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई थी 16 मार्च तक की, कि तब तक बजट सत्र को लेकर व्यस्तता है और कामों को लेकर व्यस्तता है, तो उसके बाद ही मुख्यमंत्री को फिर कोर्ट में पेश होना था, उनको जवाब देना था कि क्यों ईडी के समन को लेकर वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए, या फिर जो तमाम जवाब है उनके, क्यों उन्होंने लिखित में जवाब दिया है, उनको किस तरह से ईडी का जो समन है वो राजनीति से प्रेरित या फिर गैर कानूनी लगता है, तो वो तमाम जवाब 16 मार्च को मुख्यमंत्री को कोर्ट में दे रहे हैं। लेकिन इस बीच ईडी की तरफ से 2 और समन उनको भेजे गए हैं, जिसका लिखित में ही जवाब उन्होंने हर बार दिया है और यही कहा है कि अगर ईडी कोर्ट गई है तो ईडी को अब इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का। तो सीएम ने देखिए 12 मार्च के बाद की किसी भी तारीख का उन्होंने बोला है कि उसके बाद पूछताछ में वो शामिल होने के लिए तैयार है। ईडी की तरफ से जो भी सवाल उनसे पूछे जाएंगे हर एक सवाल का जवाब वो देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये केस है पूरा, तथाकथित शराब घोटाले को लेकर, उसको लेकर ईडी की जांच लगातार जारी है और ये जांच की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जवाब देने के लिए वो रेडी हैं, तैयार हैं वो पूछताछ में शामिल होने के लिए, लेकिन 12 तारीख के बाद किसी तारीख को निर्धारित किया जाए जिसको लेकर वो जाँच में सहयोग करे, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। बलराम, आज भी 8वां समन भेजा गया था, पेश तो नहीं हो रहे हैं सीएम केजरीवाल, लेकिन पूछताछ में सहयोग करने की जरूर उन्होंने बात कही। देखिए, आपको बता दें कि ईडी ने 8वां समन भेजा था और आज यानी 4 मार्च को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि दिल्ली सरकार का बजट सत्र चल रहा है, आज दिल्ली सरकार की तरफ से बजट सदन के अंदर पेश किया जाएगा, यही वजह है कि आज 8वें समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने ईडी को जवाब देते हुए ये जरूर कहा है कि वो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है, उसके बावजूद भी वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा है कि 12 मार्च के बाद ईडी कोई भी तारीख दे दे जिस पर वो वर्चुअल जुड़ करके ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे। यानी पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब देने की बात कही है, ईडी के सवालों का जवाब देने की बात कही है और उन्होंने कहा कि ईडी के सामने वो वर्चुअल पेश होंगे और ईडी जो भी सवाल उनके सामने रखेगी उन सवालों का वो जवाब देगी।